नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि एम्स भुवनेश्वर का एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको हमेशा बोलते थे कि अक्टूबर लास्ट से एग्ज़ाम होने का चांसेस है, तो ऐसा ही हुआ है। तो आइए आपको डिटेल्स में पोस्ट वाइज बताते हैं कि किस किस पोस्ट का एग्ज़ाम कब कब होगा। आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसका एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए इस नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं, एक ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर आपको ये PDF दे देंगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये आज का ही अपडेट है, 9 अक्टूबर का। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इस PDF को डाउनलोड कर लिया है और इसमें सभी पोस्ट का एग्ज़ाम डेट है, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई निकला था फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, ऑल टू ऑल पोस्ट का ये एग्ज़ाम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टोटल 71 टाइप्स के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और हर एक का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 20 नवंबर तक ये एग्ज़ाम चलेगा और एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये आपका 30 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू चलेगा। बीच में कभी कभी गैप है लेकिन ये एग्ज़ाम आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आप लोग देख लें कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि LDC का एग्ज़ाम यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को ही होगा, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है। जो दोस्त लोग इसका अप्लाई किए हैं आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसका सिलेबस वही है जो SSC CHSL का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँ जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो दोस्त लोग स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किए होंगे तो स्टेनोग्राफर का 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस में लग जाएं। और इसके बाद आप लोग देखें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO का एग्ज़ाम 16 नवंबर को दिया गया है। और इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यदि आप लोग ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो इसका एग्ज़ाम भी 16 नवंबर को होगा। और इसके बाद आप लोग देखें यदि आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई किए होंगे JAO के लिए, तो इसका एग्ज़ाम 19 नवंबर को होने वाला है। यदि आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए होंगे तो इसका भी एग्ज़ाम 19 नवंबर को ही होगा। UDC के लिए अप्लाई किए होंगे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, तो इसका भी एग्ज़ाम 19 नवंबर को होने वाला है। उसके बाद आप लोग देख लें जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यदि आप अप्लाई किए होंगे तो इसका एग्ज़ाम 20 नवंबर को होने वाला है। इसके बाद आप लोग देख लें यदि आप SNO के लिए अप्लाई किए होंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो इसका एग्ज़ाम 20 नवंबर को होने वाले हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी पोस्ट का देख लें, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे आप देख लें कि आपका एग्ज़ाम डेट कब दिया गया है। और अब बात रही कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्ज़ाम सिटी कब करेगा, तो आपके एग्ज़ाम से 8 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आपको ज़्यादा बेचैन नहीं होना है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। आप लोग बस अब प्रिपरेशन करें, आपके एग्ज़ाम डेट से 8 से 10 दिन पहले जनरली एडमिट कार्ड आ जाता है। इस एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप जो भी प्रिफ्रेंस दिए होंगे फर्स्ट सेकेंड वहीं पे आपका एग्ज़ाम होने का चांस 99% होगा। आप लोग पहला प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस क्या दिए थे आप लोग देख सकते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम वहीं होने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये रही एग्ज़ाम डेट की बात। और इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको पहले ही इसका सिलेबस के बारे में बता चुके हैं, वीडियो भी दिए थे कुछ पोस्ट का, तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।